जी तो आपने सुना भाई परेशान है, हर 8 दिन में अपनी घरवाली को लेके जाते थे मायके घुमाने, और अब 15 दिन में जाते हैं, पेट्रोल की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। देखते हैं कोई दूसरा बंदा मिल जाए, उससे परेशान पूछते हैं कोई। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मीडिया वाले क्या? जी 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 मैं मीडिया वाला हूँ। अच्छा। आपको पैगाम देना चाहेंगे, महंगाई से परेशान है? हाँ हम परेशान है, बहुत परेशान है। क्या परेशान है? हम सिगरेट की वजह से परेशान है। क्या परेशानी है? पहले ये गोल्ड का पैकेट पहले मिलता था 70 का, जी अभी हो गए 500 रुपए का, हम कहाँ जाएं? तो आप सिगरेट की वजह से परेशान हाँ। है? लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं महंगाई से, लेकिन बाहर निकलने को कोई भी तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं वो भाई पेट्रोल के लिए परेशान था, और ये हमारा भाई सिगरेट की वजह से परेशान। अभी सिगरेट है तो माचिस नहीं है, क्या करूं, कहाँ जाएं? हम आपका आवाज आगे तक पहुंचाएंगे। जी तो आपने सुना कि ये लोग कितने परेशान है, और कितने जो है के। वालेकुम अस्सलाम भाई मीडिया वाले। जी 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 आप कुछ लोगों को पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम दूंगा, मेरा पानी नहीं चल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, मेरी जमींदार बेइज्जती कर रहा है इधर, मैं क्या करूं इधर। अच्छा तो ये आप पानी की वजह से परेशान है, लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज कुछ भी नहीं है, इधर फुलतर बुलतर उठाओ चला जाओ। जी 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 मैं बिल्कुल जाने की तैयारी कर रहा हूँ, लोग पागल हो चुके हैं महंगाई की वजह से परेशान, दिमाग काम नहीं कर रहा। देखा आपने ये भाई अभी आया था। जी तो जी 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 क्या हाल है? हमारे को पैसे मिले। किस चीज के पैसे मिले? जी एक ही जगह के घर के पैसे मिले गवर्नमेंट ने, मगर ये हमारे जलते। ये एक ईमानदार भाई मिले हैं और खुशनसीब भाई मिले हैं जिनको सैलाब के पैसे मिले हैं। तो ये जगह आप जगह बना रहे हो? हाँ जबरदस्त। एक अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में एपिसोड में ये भाई भी आ चुके हैं। आपको कोई परेशानी? मेरे को जितनी परेशानी है ना उतनी किसी को भी नहीं। क्या परेशानी है आपको? मेरी परेशानी यही है कि माशाल्लाह पहले सहताई थी तो लोगों के पास जाता था, बड़े इज्जत से कुछ ना कुछ देते थे, मेरा गुजारा हो जाता। अभी इतनी महंगाई हो गई है कि किसी के पास जाता हूँ वो यही बोलता है कि भाई माफ करो चले जाओ, अभी मैं गरीब कहाँ जाऊँ। जी तो आपने सुना जो लोग बेचारे मांग मांग के गुजारा करने वाले हैं आजकल के दौर में, वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। और आपकी आवाज क्या मैसेज दोगे लोगों को? मैसेज को यही दूंगा कि भाई हमारे गरीब को गरीब को हटाओ। जी इनका कहने का मकसद ये है कि आपके पास अगर कोई अल्लाह के नाम का मांगने वाला आता है तो उसको खाली मत भेजिए, दियो थोड़ा बहुत उस पर दया करो, मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम भाई। आप क्या कहेंगे? भाई आप कौन हो? मीडिया वाले। मीडिया वाले क्या क्या बात आवाम को पहुंचाओगे? जी बिल्कुल, आपकी आवाज ऐवानों तक जाएगी और आप जो भी मैसेज देंगे हमारे दोस्तों तक जाएगी। भाई अभी महंगाई के बारे में देख लो, पहले 80 रुपए किलो आटा था, आज 260 रुपए किलो आटा चल रहा है। आपके गांव में 260 रुपए किलो चल रहा है, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें 160 से लेके 180 रुपए किलो तक का आटा बोल रहे हैं कि ऊपर से किराया होता है, ये होता है। अभी कहाँ पे 160 है तो कहाँ पे 180 है, कहाँ पे 190 रहे। चले ठीक है, और क्या मैसेज देंगे लोगों को? और मैसेज ये दूंगा कि लोगों की जो जगह बनी हुई है आधे पे पड़ी हुई है, बारिश 2-3 मरतबा हुई है, बेचारों के बच्चे जो है बहुत परेशान है, बीमार हो गए, उनको जो है ना मलेरिया बुखार हो गया है, किसी को क्या हो गया है। अच्छा तो आप एक काम करें, अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे? भाई चेहरा दिखाऊंगा तो मैं उठाया जाऊंगा, झूठे केस लगेंगे मेरे ऊपर। आपको डर भी लग रहा है? डर भी लग रहा है। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ डर लग रहा है? क्या इस गांव में वडेरे इतने जालिम हैं, वडेरे इतने बासर हैं कि आपको उठवा लेंगे? बाबा वडेरों की बात नहीं है, वडेरे जिनके पीछे है वही तो उठवा लेंगे ना, जो माल खा रहे हैं। इलेक्शन में आप वोट देते हो? भाई इलेक्शन के टाइम में ही आते हैं, खाली बिरयानी खिला के फिर वोट लेके फिर 5 साल के बाद आते हैं। अभी महंगाई देखो कितनी हो रही है, वो तो अभी तो आएंगे नहीं, जब वोट होंगे तभी आएंगे, अभी जो हालात हैं वो देख लो भले जाके गांव-गांव में। अच्छा ये भाई इनका कहना क्या मकसद ये है कि एक बिरयानी की प्लेट के पीछे ये वोट देते हैं और 5 साल रोते रहते हैं, यही मकसद है आपका? यही बात है। और जो बड़े होदे वाले हैं उनको हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ कि गांव के अंदर जो भी परेशानी है जिसके हाथ में, वो उनकी मजबूरी हल करे और चेहरा मैं दिखा दे। आप चेहरा जाते जाते? चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। भाई आपने सुना इस भाई की जायज बातें और सच की बात बोली है इन्होंने कि जो भी हक और सच की आवाज बुलंद करता है वो या तो उठाया जाता है, या तो गुम हो जाता है, या तो उसके ऊपर कोई मुकदमे हो जाते हैं, केस हो जाते हैं। तो आपने सुना आज एक छोटे से गांव की दर्द भरी कहानी, एक बंदा पेट्रोल की वजह से परेशान, कोई सिगरेट की वजह से परेशान, कोई खेती बाड़ी की वजह से परेशान, किसी को 2 पैसे मिले तो गाँव वाले उसके पीछे लग गए। यही कहानी हमारी है। इस महंगाई के खिलाफ उठेगा तो उठेगा कौन?
सवाल यही है। ओके सही, बंद करी से।